हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नजरुल और आप लोग देख रहे हैं नजरुल एमडी टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन में पासपोर्ट अप्लाई कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों का जो कंप्यूटर को ब्राउजर है, मतलब क्रोम कोई भी ब्राउजर, ठीक है, उसमें जाइए। मैं क्रोम में आया हूँ। इसमें आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा, ठीक है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ पासपोर्ट सेवा, उसके बाद इंटर मार दीजिए। उसके बाद आप लोगों का सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का जो पासपोर्ट सेवा है, ये दिख रहा है आप लोगों को पासपोर्ट सेवा, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को ये सामने है, ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, ये क्लोज कर दीजिए। उसके बाद दिख रहा है आप लोगों को सामने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, सिक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आप लोग आप नया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। आप लोगों को ऑलरेडी अगर लॉगिन पासवर्ड है तो एग्जिस्टिंग में यूजर लॉगिन में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इसमें अगर पासपोर्ट का कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो इसमें जाना पड़ेगा। आप लोगों का पासपोर्ट का जो स्टेटस है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना कर रहे हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें क्लिक किया। उसके बाद आप लोगों का सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा। देखिए, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, इसमें फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये रजिस्टर टू अप्लाई एट CPB दिल्ली। आप अगर दिल्ली का हो तो ये क्लिक करना पड़ेगा। अब दिल्ली का बाहर है तो पासपोर्ट ऑफिस ये मानना पड़ेगा, मतलब पासपोर्ट ऑफिस में क्लिक करना पड़ेगा। नीचे जाइए, पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई जहाँ पे आप लोग का स्टेट है उसमें जाइए, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग का स्टेट जहां से पासपोर्ट मतलब है उसमें जाइए। मैंने सेलेक्ट कर लिया पासपोर्ट ऑफिस, गिवन नेम, ठीक है। उसमें फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, ये देखिए फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। आप लोगों का अगर फर्स्ट नेम नहीं है तो मिडिल नेम लिख सकते हो, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। हम कुछ भी ढाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लीजिए। उसके बाद डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू सेम एज ईमेल आईडी। अगर आपका जो लॉगिन आईडी है सेम बनाना चाहता है ईमेल आईडी के साथ तो यूज कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालिए इसमें, आपका जो ईमेल आईडी है वो डालिए। उसके बाद यस नो आएगा, ठीक है। यस नो के बाद, सॉरी मैं पूरा डाल लेता हूँ,
do you want your login ID as the same as email ID? Yes. ये जो ईमेल आईडी है दिख रहा है आप लोगों का, ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी सेम इस लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी में सेम कर दिया, ठीक है। आप लोग अगर ये जो ईमेल आईडी है, अगर नहीं चाहते हो कि लॉगिन आईडी आप लोग का ये बन जाए तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा सेम है तो सेम डाल रहा है। उसके बाद लॉगिन आईडी आ गया, ऑटोमेटिकली लॉगिन आईडी इसमें आ गया। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड डाल लीजिए, कोई भी पासवर्ड मतलब क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, हम पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड में क्या है, एक अल्फाबेट और एक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। हैंड क्वेश्चन, हैंड क्वेश्चन में बर्थ, सिटी, फेवरेट कलर, ये कोई भी एक चूज कर लीजिए, ठीक है। बर्थ सिटी, उसके बाद इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले, ये जो कैरेक्टर दिख रहा है आप लोगों का ये डाल दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए सब सही है क्या। उसके बाद मैं रजिस्टर में क्लिक कर दिया, मेरा रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्मेशन। थैंक यू रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, द एक्टिव योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक, ईमेल सेंड टू ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 9/2020। मतलब आज 2 तारीख है, 5 दिन तक वैलिडिटी है मेरा ये लिंक जो ईमेल आईडी में गया है। उसके बाद जाऊंगा मैं ईमेल पर, मेरा ईमेल, ठीक है, इसमें मैं ईमेल सिलेक्ट कर देता हूँ। ये लिंक, उसके बाद इंटर यूजर आईडी, आपका जो यूजर आईडी है वो डाल दीजिए। उसके बाद योर अकाउंट हैज बीन एक्टिव सक्सेसफुली, अकाउंट आपका जो है वो सक्सेसफुली हो गया, क्लिक हियर टू लॉग इन, इसमें क्लिक कर दीजिए। तो बाद आपका जो लॉग इन आईडी है वो डाल दीजिए, है ये डाल देता हूँ मैं, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद लॉग इन आईडी ऑटोमेटिकली आ गया, उसमें आपका पासवर्ड है वो डाल दीजिए, सॉरी। उसके बाद ये डाल दीजिए, कैरेक्टर डाल दीजिए, सॉरी गलत हो गया, फिर से डाल रहा है। कर दीजिए, उसके बाद आ गया। उसके बाद ये आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा, देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, ठीक है, ये जो दिख रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पर, इसमें क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इसमें जाइए, ठीक है, अप्लाई फॉर फेस पासपोर्ट रिएशन, यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, फिल द ऑनलाइन, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन में चाहिए तो ये क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों का जो, अगर आप लोग ऑफलाइन में चाहिए मतलब यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म, ये ऑफलाइन का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें से आप ऑफलाइन का जो फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके फिलअप करके फिर स्कैन करना पड़ेगा ऑनलाइन में, तो हम ऑनलाइन में फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा, ठीक है, RPO सिलेक्शन, प्लीज चॉइस RPO बाय सिलेक्टिंग द स्टेट डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर सबमिट, डिस्ट्रिक्ट डालिए आप लोगों का जो स्टेट है स्टेट डाल दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालिए, उसके बाद नीचे आइए, नीचे नीचे नहीं, फिर और एक इंटरफेस खोल के आ जाएगा, ठीक है, पासपोर्ट टाइप, आप कौन सा पासपोर्ट में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल, तत्काल या री इशू पासपोर्ट, ठीक है, आप लोग अगर फ्रेश पासपोर्ट चाहिए तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा, फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट, नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल, तत्काल में चाहिए तो तत्काल में, आप लोग का फीस ज़्यादा है, तत्काल में कम है, तत्काल में आई थिंक 30 pages का 1500 rupees और 60 pages का 2000 rupees और तत्काल में शायद उससे ज़्यादा 1000 rupees ज़्यादा देना पड़ेगा, आई मीन 3000-3500 का ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं और नॉर्मल में चाहिए हम लोग को, ये पेजेस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 36 और 60 pages का डिफरेंस क्या है, 30 pages का जो पेज है वो कम है और 60 pages का जो पासपोर्ट है वो पेजेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप लोग अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा जाना चाहते हैं, ज़्यादा विजिट करते हैं तो 60 pages का बना लीजिए क्योंकि वो पेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो मेरे को 36 pages का चाहिए तो हम नेक्स्ट में क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद गिवन नेम, आपका जो नेम है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालिए, ठीक है, मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम नहीं डाल रहा मैं, ठीक है, और उसके बाद जेंडर क्या है, जेंडर मेल, डू यू हैव बीन नो अदर नेम्स, अदर नेम है क्या आप लोगों का, निक नेम मतलब नहीं है तो नो डाल लीजिए, उसमें हैव यू इवन चेंज योर नेम, नो, अगर नाम चेंज किया तो ये इस पर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें लिख लीजिए, इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका जो बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया में है क्या, अगर येस है तो येस, नो है तो नो, अगर येस में क्लिक करोगे तो ऑप्शन ज़्यादा है, कंट्री का नाम है, डिस्ट्रिक्ट, नो है तो नो मार दीजिए, उसके बाद नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, कौन सा विलेज में है आपका जन्म हुआ है, ठीक है, स्टेट कौन सा है डाल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डाल दीजिए, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे जाइए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन और डिसेंट, बर्थ है तो बर्थ डाल दीजिए, बर्थ, अगर रजिस्ट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन है तो न्यूट्रलाइजेशन डाल दीजिए, देखिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, अगर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लोगे तो, डिसन में है तो ये देखिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द एम्बोसी हाई कॉम्बेशन कंसुलेट इन इंडिया, ये सब का जरूरत नहीं है, जो लोग बाहर का है उसको लोगों को जरूरत है, तो आप इंडिया में है तो बर्थ डाल दीजिए, ठीक है, पैन कार्ड का ये डाल दीजिए, उसके बाद वोटर
आईडी एप्लीकेबल वोटर कार्ड का आईडी डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब एम्प्लॉयमेंट है क्या, क्या कर रहा है उसका मतलब ये है, ठीक है। इस आइदर इफ योर पेरेंट इन केस माइनर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, अब लोग का घर का कोई है क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है, यस है तो यस, नो है तो नो डाल दीजिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का क्या है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट एंड अबव 10th पास और लेस 10th पास एंड अबव बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट अबव द ग्रेजुएट डाल दीजिए। इस एप्लीकेशन एलिजिबल लोग फॉर नॉन एशियर कैटेगरी, नॉन एशियर कैटेगरी क्या है, ग्रेजुएट का जो नीचे है वही नॉन नॉन एशियर कैटेगरी में आता है, तो आप ग्रेजुएट है तो इसका जो इसका ईएस करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ईएस ऑटोमेटिकली आ गया। विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क, आपका शरीर में कोई मार्क है क्या, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए इसमें, उसके बाद एग्री में क्लिक कर दीजिए, यस, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा आप लोगों के सामने। उसके बाद फादर नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल दीजिए, फादर नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, मदर नेम, लोकल गार्जियन नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं है, क्या है, फादर्स नेम डाल दिया, सन नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, मदर का सन नेम डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस, आप लोगों का जो रेसिडेंटल एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए। इज योर प्रेजेंट एड्रेस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, यस है तो यस, नो है तो नो, हाउस नंबर एंड स्टेट नंबर, आप लोग हाउस नंबर स्टेट नंबर, हाउस नंबर स्टेट नंबर डाल दीजिए। बैलेंस, बैलेंस क्या है, स्टेट कौन सा है डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, अगर आपका ईमेल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं है, इस परमानेंट एड्रेस सेम इज अवेलेबल, यस सेम, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम इज प्रेजेंट एड्रेस, यस, सॉरी गलत हो गया शायद, प्लीज इंटर वर्ड ईमेल, ईमेल डालना नहीं, ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड एड्रेस, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है,
हम डाल रहे नेम एंड एड्रेस, और उसके बाद आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स। हैव यू एवर होल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आप लोगों का जो आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट है वो होल्ड में रखा है क्या? यस नो नो, डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमिक ऑफिशियल पासपोर्ट, डिटेल्स आर नॉट एप्लीकेबल। हैव यू एवर एप्लीकेबल पासपोर्ट बट नॉट इशूड, no details not applicable। और उसके बाद जाएंगे next, वो लोग उसके बाद ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा, ठीक है। अदर डिटेल्स इसमें ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या है इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें जितना इसमें दिख रहा है आप लोगों को सब जगह में नो नो कर दीजिए, नो 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 नो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाइए, उसके बाद आप लोगों का जो पासपोर्ट का जो शक्ल है वो दिख रहा है, ठीक है, पासपोर्ट का शक्ल, पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स, ये ऐसा दिखता है आपका पासपोर्ट, इस ऐसा आएगा आप लोगों का पासपोर्ट। उसमें नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का सामने ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक, सॉरी प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट फ्रॉम द डाउन। आप लोगों का दो सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ। बर्थ सर्टिफिकेट में आप लोग क्या क्या देख सकते हो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेंट डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, कॉपी ऑफ एक्सेस सर्विस रिकॉर्ड ये भी आप डाल सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट, ये स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेट्रिक का सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, पॉलिसी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का भी सर्टिफिकेट डाल सकते हो। उसका बाद इतना है, मतलब आधार कार्ड डालना है तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंटल एड्रेस मतलब आपका एक रेसिडेंटल एड्रेस का सर्टिफिकेट चूज करना पड़ेगा। आधार कार्ड, आर्म लाइसेंस, बैंक पासपोर्ट, बैंक का जो पासपोर्ट रहता है वो पासबुक रहता है, पासबुक रहता है वो आप स्कैन करके इसमें अपलोड कर सकते हो, फर्स्ट पेज ऑनली, ठीक है, जहाँ पे एड्रेस रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो आप, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब मतलब रेजिडेंटल प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आप मतलब डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस, अगर आपका पासपोर्ट सेवा का एसएमएस सर्विस चाहिए तो ये इसमें क्लिक कर दीजिए, 50 rupees आपका बैंक से मतलब कट जाएगा। नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस में भी जाके दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस एनरोलमेंट, ठीक है। हम लोगों का जो पासपोर्ट है वो स्टेबिस्ड भाई कहाँ पे कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से कैसे जा रहा है पासपोर्ट अप्लाई कर मतलब कैसे हो रहा है, उसमें आप लोगों का मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लिक कर दीजिए, सॉरी मैं यस है तो यस क्लिक कर लिया, अगर नो है तो नो में क्लिक कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे जाइए, ये पढ़ लीजिए क्या क्या है, प्लीज रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, प्लीज डाल दीजिए। उसके बाद एग्री में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये फाइनल सबमिट है, सबमिट फॉर्म, ठीक है। ये है फाइनल सबमिट, हम सबमिट कर दिया जा रहे, गया सबमिट हो गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली।
योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है, ठीक है, रेफरेंस नंबर काइंडली पुट मतलब रिकॉर्ड में डाल दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एआरएन नंबर योर ये एग्जांपल अगर मोबाइल है तो मोबाइल के स्क्रीनशॉट में ये डाल दीजिए, मतलब पुट कर लीजिए, लिख लीजिए। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तीनों आप लोगों का जो ऑप्शन है इसमें एक एक करके जाइए उसमें, और ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये जो आप दोनों आधार कार्ड और बैंक पासबुक कोई भी प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ चूज किया वो दो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, एप्लीकेशन का जो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो प्रिंट कर लीजिए अगर फ्यूचर में चाहिए है तो। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट ये क्या है, इसमें जाइए और देखेगा ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सालान पे भी आप भर सकते हैं एसबीआई का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही था मेरा वीडियो।